आज के वीडियो में आप जानेंगे कि कीबोर्ड क्या है और इसे कैसे उपयोग करते हैं। कीबोर्ड एक मुख्य इनपुट उपकरण है और इसे हिंदी में कुंजी पटल भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारी कीज होती हैं। कीबोर्ड की कीज टाइपराइटर की कीज की तरह होती हैं, जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर में डेटा डालते हैं या कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। एक सामान्य कीबोर्ड में लगभग 101 से 104 तक कीज होती हैं। दिखने में कीबोर्ड कई तरह के हो सकते हैं, पर इनका मूलभूत काम एक जैसा ही होता है। यहाँ पर आप सामान्य कीबोर्ड का लेआउट देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड का मुख्य भाग अक्षर और अंकों से बना होता है। इन कीज को हम अल्फाबेट और नंबर कीज बोलते हैं। इसमें कुछ विशिष्ट कीज भी होती हैं, जैसे कैप्स लॉक, शिफ्ट, एंटर इत्यादि, जो आपके काम को आसान बनाती हैं। एरो कीज की सहायता से आप डॉक्यूमेंट में दाएं बाएं ऊपर नीचे जा सकते हैं। फंक्शन कीज से अलग अलग काम किए जा सकते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको सभी कीज के उपयोग बताते जाएंगे। यहाँ पर हम आपको एक खास बात बताना चाहेंगे कि राइट हैंड साइड की तरफ ये जो कीज आप देख रहे हैं, ये आपको सभी कीबोर्ड्स में नहीं मिलती हैं। आइए अब आपको इन कीज का उपयोग बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं एस्केप की का उपयोग। एस्केप की आपके कीबोर्ड पर लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर पहली की होती है। इसका उपयोग प्रायः किसी टास्क को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं कि ये आप किस तरह कर सकते हैं। मान लीजिए आपने गलती से स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दिया और अब आप इस ओपन हुए स्टार्ट मेन्यू को बंद करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने कीबोर्ड पर एस्केप की को प्रेस कर दें। ऐसा करते ही ये मेन्यू चला जाएगा। या फिर कभी गलती से माउस का राइट क्लिक प्रेस हो गया, जिससे ये पॉपअप मेन्यू सामने आ गया है और आप इस मेन्यू को हटाना चाहते हैं, तो आप एस्केप की को प्रेस कीजिए। देखिए, ऐसा करते ही पॉपअप मेन्यू चला गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको कैप्स लॉक, शिफ्ट, एंटर इत्यादि कीज का उपयोग करना सिखा देते हैं। इनका उपयोग प्रायः टाइपिंग के दौरान होता है, तो उसके लिए पहले हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं। नोटपैड ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स पर जाएं और यहां से एक्सेसरीज पर जाएं। इस पर क्लिक करने पर जो मेन्यू आपके सामने आएगा, उसमें आपको नोटपैड नजर आ जाएगा। ये देखिए, यहां पर नोटपैड दिख रहा है। इस पर क्लिक कर दें। ये देखिए, नोटपैड ओपन हो गया है। यहाँ पर आप एक खड़ी डंडी ब्लिंक होती हुई देख सकते हैं, इसे कर्सर कहा जाता है। चलिए अब यहाँ पर कीज की प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस टाइप कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक सेंटेंस टाइप किया है, राम इज अ गुड बॉय। और आप देख सकते हैं कि अब जो कर्सर है वो सेंटेंस के एंड में ब्लिंक हो रहा है। अब हम आपको बता देते हैं कि ये सेंटेंस हमने कैसे टाइप किया। इसके लिए अगली लाइन में नया वाक्य टाइप करेंगे। अगली लाइन में आने के लिए हमें कीबोर्ड में एंटर की को प्रेस करना होगा। जैसे ही हम ऐसा करेंगे, कर्सर अगली लाइन में आ जाएगा। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि सामान्य कीबोर्ड पर आपको एंटर कीज दो जगह पर मिलती हैं। एक तो यहाँ पर और एक राइट हैंड साइड पर नीचे कॉर्नर में। ये दोनों एंटर कीज एक जैसा ही काम करती हैं। अब हम एक बार और एंटर की प्रेस करते हैं। देखिए, कर्सर और नीचे आ गया है। अब हम एक और सेंटेंस टाइप कर लेते हैं। हम टाइप कर रहे हैं, माय नेम इज गीता। इसके लिए हमने कीबोर्ड पर पहले M फिर Y कीज को प्रेस किया। अब हमें अगला वर्ड टाइप करने से पहले स्पेस देना है, यानी कुछ जगह छोड़नी है, तो उसके लिए कीबोर्ड पर नीचे जो सबसे लंबी की होती है, जिसे स्पेस बार कहा जाता है, वो आपको दबाना होगी। स्पेस देने के बाद अगला वर्ड हमको लिखना है नेम, तो उसके लिए हमने पहले N फिर A फिर M और फिर E कीज को प्रेस किया, तो ये यहां पर
नेम लिखा गया है। अब अगर हम स्पेस बार को नहीं दबाते हैं और आगे के वर्ड्स भी लिखते जाते हैं तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा और इसको पढ़ना मुश्किल होगा, इसलिए जरूरी है कि हर शब्द के खत्म होने के बाद हम स्पेस बार को प्रेस करें। तो अभी नेम के बाद कर्सर ला करके हम स्पेस बार की को प्रेस कर देते हैं, इसी तरह से इसके बाद भी हम स्पेस दे देते हैं। अब ये सेंटेंस ठीक दिख रहा है। यहां पर आपको एक खास बात बताना चाहेंगे कि एक बार स्पेस बार प्रेस करने पर वो एक लेटर या एक कैरेक्टर की जगह छोड़ता है और आपको जितनी बार वो जगह छोड़नी है उतनी बार आपको स्पेस बार प्रेस करना होता है। पर मान लीजिए कभी आपको एक से ज्यादा स्पेस छोड़ने की जरूरत हो तो वो आप कैसे करेंगे, ये भी हम आपको करके बता देते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक सेंटेंस की बजाय केवल कुछ वर्ड्स लिखना चाहते हैं और वो भी ज्यादा जगह छोड़कर, कुछ इस तरह से। जैसा आप यहां देख सकते हैं हमने गो वर्ब के तीनों फॉर्म्स लिखे हैं, गो, वेंट, गॉन, और यहां वर्ड्स के बीच में काफी स्पेस छुटी हुई है, तो इसको हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। ये हम एंटर दबा करके अगली लाइन में आ गए। अब हमने लिखा गो और यहां पर इतना स्पेस छोड़कर के यहां हमको लिखना है वेंट। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप स्पेस बार दबाते हुए यहां तक आए, ये देखिए अब यहां जितनी जगह छूटी हुई है उतनी बार आपको स्पेस बार दबाना होगा। जैसा आप देख सकते हैं हर बार में एक कैरेक्टर की जगह छूटती है, तो हमको इतनी बार स्पेस बार को प्रेस करना पड़ा तब जाकर के हम यहां जहां हमको वेंट लिखना है वहां तक पहुंचे हैं। और दूसरा तरीका यह है कि इसके लिए आप एक बार टैब की को प्रेस कर दें। ये दूसरा तरीका भी हम देख लेते हैं। वापस हम यहां पर क्लिक कर देते हैं ताकि कर्सर गो के पीछे आ जाए। अब एक ही बार में अगर हम इतना स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए कीबोर्ड पर टैब की को प्रेस करें। जैसे ही हमने इसको प्रेस किया देखिए हम सीधे जहां से हमको वेंट लिखना है उस जगह पर आ गए हैं। ये हमने टाइप कर दिया वेंट। अब फिर हमको इतनी जगह छोड़नी है तो सीधे टैब की को प्रेस करेंगे और एक ही बार में हमारा कर्सर इतनी दूरी तय करके यहां पहुंच गया है। अब हम टाइप कर देंगे गॉन। तो इस तरह अगर आप ज्यादा स्पेस के साथ टाइपिंग करना चाहते हैं तो टैब की का उपयोग कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कैप्स लॉक की का उपयोग, पर उसके पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दें। अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि कीबोर्ड कंप्यूटर का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना काम करना काफी मुश्किल है। ऐसे में यदि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का कीबोर्ड काम करना बंद कर दे और आपको बहुत जरूरी काम करना हो तो ऐसी स्थिति में आप वर्चुअल या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। इस कीबोर्ड को माउस की सहायता से चलाया जाता है। तो चलिए हम आपको वर्चुअल कीबोर्ड की सहायता से ही कैप्स लॉक की का उपयोग दिखा देते हैं, जिससे आप वर्चुअल कीबोर्ड का उपयोग करना सीख जाएंगे, साथ ही कैप्स लॉक की का उपयोग भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए यहां पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यानी वर्चुअल कीबोर्ड खोल लेते हैं। उसके लिए अपने कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, फिर सर्च बॉक्स में टाइप करें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ये देखिए ये टाइप करते ही यहां पर ऊपर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करें। ऐसा करते ही देखिए ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिखाई देने लगा है। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इस कीबोर्ड पर माउस की सहायता से टाइप किया जा सकता है, तो चलिए कुछ टाइप करके देखते हैं। ये हम अगली लाइन में कर्सर को ले आए हैं। अब कुछ लिखकर देख लेते हैं। लिखने के पहले यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है इसमें अभी आप देख सकते हैं कि सारे लेटर्स स्मॉल हैं। और मान लीजिए हमें हेलो टाइप करना है और हम चाहते हैं कि सारे लेटर्स कैपिटल हो, यानी हम हेलो शब्द को कैपिटल लेटर्स में टाइप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस कीबोर्ड पर माउस से
कैप्स वाली की जो नजर आ रही है उस पर क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही आप देख सकते हैं कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के सारे अल्फाबेट जो हैं वो अब कैपिटल में नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही आपके कंप्यूटर से अटैच किए हुए कीबोर्ड में राइट हैंड साइड पर सबसे ऊपर दिखाई दे रही तीन बत्तियों में से बीच वाली बत्ती जल जाएगी। इसका मतलब ये है कि कैप्स लॉक वाली की ऑन हो गई है। अब आप जो भी लिखेंगे वो कैपिटल लेटर्स में टाइप होगा। ध्यान रखें, प्रायः ये जो बत्तियां होती हैं वो डेस्कटॉप से अटैच्ड कीबोर्ड में ही होती हैं। यहां ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की सहायता से हेलो टाइप करने के लिए हम पहले एच पर क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए, यहां पर एच कैपिटल लेटर में लिखा हुआ आ गया है। इसी तरह से हम बाकी लेटर्स भी टाइप कर देंगे। ये देखिए, ये हमने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की सहायता से कैपिटल लेटर्स में हेलो टाइप किया। अब यदि आप कैप्स लॉक बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए या तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में दोबारा कैप्स पर क्लिक करें या फिर अपने कीबोर्ड में कैप्स लॉक की को प्रेस कर दें। हमने अपने कीबोर्ड पर कैप्स लॉक की को प्रेस किया। ऐसा करने पर देखिए, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में भी कैप्स लॉक ऑफ हो गया है और अब ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में सभी अक्षर स्मॉल दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपका जो कीबोर्ड है उसमें कैप्स लॉक वाली लाइट भी बंद हो गई होगी। अब आप जो भी टाइप करेंगे वो स्मॉल लेटर्स में टाइप होगा। ये देखिए, इस तरह से। अब हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को मिनिमाइज कर देते हैं और आपको कैपिटल लेटर्स लिखने का एक और तरीका बता देते हैं। प्रायः होता यह है कि सेंटेंस लिखते समय हमें केवल पहला लेटर कैपिटल चाहिए होता है और बाकी सारे लेटर्स हमको स्मॉल चाहिए होते हैं। ऐसे में आप अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट की को दबाकर रखें और फिर जो अक्षर कैपिटल में टाइप करना है उस पर क्लिक करें। यहां पर हम आपको बता दें कि सामान्य कीबोर्ड में शिफ्ट की भी दो जगह मिलती है, एक लेफ्ट हैंड साइड पर और दूसरी राइट हैंड साइड पर। ये दोनों शिफ्ट कीज एक जैसा ही काम करती हैं। अब यहां पर हम टाइप करके देखते हैं। हमको वर्ल्ड टाइप करना है जिसमें पहला अक्षर W हम कैपिटल में चाहते हैं, तो उसके लिए हमने अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट की को प्रेस किया और उसके बाद W की को प्रेस किया। ये देखिए, यहां पर W जो है वो कैपिटल में टाइप हो गया है। अब शिफ्ट की को हम छोड़ देंगे और बाकी के अक्षर टाइप कर लेंगे। ये देखिए, बाकी के अक्षर स्मॉल लेटर्स में टाइप हुए हैं। अब यही काम हम आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की सहायता से करके दिखाते हैं। उसके लिए हम यहां पर क्लिक करके ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को वापस ऊपर ले आते हैं। अब हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर दिख रही शिफ्ट की पर क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही आप देख सकते हैं सारे जो लेटर्स हैं वो कैपिटल हो गए हैं। अब आपको जो लेटर कैपिटल लिखना है उस पर क्लिक करें। ये हमने W पर क्लिक किया। ये देखिए, यहां पर W कैपिटल आ गया है और जैसे ही W टाइप हुआ यहां पर, वैसे ही सारे जो अल्फाबेट हैं वो फिर से स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। अब आप आगे के जो लेटर्स हैं उनको टाइप कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखें कि यदि आपको किसी शब्द या वाक्य के सभी अक्षरों को कैपिटल में लिखना हो तो कैप्स लॉक की को एक बार प्रेस करके आप ऑन कर दें, फिर जितना भी आपको लिखना हो लिख लें, सब कुछ कैपिटल लेटर्स में आएगा। और उसके बाद फिर से कैप्स लॉक की को प्रेस करके आप उसको ऑफ कर सकते हैं, जबकि शिफ्ट की से कैपिटल लेटर्स लिखने के लिए आपको उसको दबा करके रखना होता है। अर्थात जब तक आप शिफ्ट की को दबाकर लेटर्स टाइप करेंगे वो कैपिटल लेटर्स में आएंगे। इस तरह से। और जैसे ही आप शिफ्ट की को छोड़ देंगे लेटर्स स्मॉल हो जाएंगे। आइए अब शिफ्ट की का दूसरा उपयोग देख लेते हैं।
आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर देखिए कुछ कीज हैं जिन पर दो दो कैरेक्टर्स छपे हैं, जैसे यहाँ ऊपर वाली जो कीज हैं उसमें नीचे की ओर नंबर्स लिखे हैं और ऊपर की ओर कुछ सिंबल्स हैं। इसी तरह से लेटर्स वाली जो कीज की रो है उसमें भी कुछ कीज ऐसी हैं जिसमें दो दो कैरेक्टर्स या दो दो सिंबल्स छपे हैं। इनको अगर आप सीधे प्रेस करेंगे तो नीचे वाला सिंबल टाइप होगा और शिफ्ट को दबा करके प्रेस करेंगे तो ऊपर वाला सिंबल या ऊपर वाला कैरेक्टर टाइप होगा। ये हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को यहां से हटा रहे हैं और यहां टाइप करके देखते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको नंबर्स टाइप करना है तो अपने कीबोर्ड की दूसरी रो वाली कीज को सीधे प्रेस करके नंबर्स टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने नंबर्स वाली जो कीज हैं या न्यूमेरिक जो कीज हैं उनको जब प्रेस किया, नंबर वन वाली की को प्रेस किया तो ये वन आ गया। इसी तरह से 2, 3, 4, 5, 6 जिस भी नंबर वाली की को आप प्रेस करेंगे यहां पर वो नंबर आ जाएगा। पर अगर आपको इन नंबर्स के ऊपर जो सिंबल है उनका उपयोग करना है तो आपको शिफ्ट की को दबा करके रखना होगा। हमने अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट की को प्रेस करके रखा हुआ है और फिर इन नंबर वाली कीज को प्रेस कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर नंबर के ऊपर जो सिंबल्स हैं वो टाइप हो रहे हैं। ये पहले नंबर वाली की को दबाने पर ये निशान आया, इसी तरह से दूसरे नंबर वाली की को हमने प्रेस किया तो उसके ऊपर वाला कैरेक्टर आया। इसी तरह से जैसे जैसे हम उसको प्रेस करते जाएंगे ऊपर जो सिंबल्स हैं या कैरेक्टर्स हैं वो टाइप होते जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अन्य कीज का उपयोग आपको बता देते हैं। मान लीजिए ये यहां पर जो लिखा है वो हमको नहीं चाहिए, हम इसे मिटाना चाहते हैं, तो उसके लिए नंबर्स वाली जो कीज हैं दूसरी रो में उसके एंड में एक थोड़ी बड़ी की है, इसे बैकस्पेस की कहते हैं। अगर आप इस बैकस्पेस की को प्रेस करते जाएंगे तो जहां पर भी कर्सर होगा उसके लेफ्ट की तरफ से ये टेक्स्ट को मिटाना शुरू कर देगी। जैसे अभी हमारा कर्सर यहां पर है, अब जैसे ही हम बैकस्पेस की को प्रेस करेंगे तो देखिए उसके लेफ्ट की तरफ जो भी टेक्स्ट है वो मिटता जाएगा इस तरह से। यहां हम इसको ऊपर एक बार फिर करके देख लेते हैं, हमारा कर्सर यहां पर है और अगर हम इसको कंटिन्यूसली दबा करके रखते हैं तो ये नोटपैड में लिखे टेक्स्ट को इस तरह से मिटाती जाएगी। पर मान लीजिए आपको लेफ्ट की तरह से लेटर्स नहीं मिटाना है बल्कि राइट साइड से मिटाना है तो उसके लिए आप डिलीट की का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहां पर गीता लिखा हुआ है, इसको हटाकर हम इसकी जगह पर सारिका लिखना चाहते हैं तो उसके लिए यहां हमने गीता के आगे क्लिक किया। अब देखिए हमारा जो कर्सर है वो गीता के पहले आ गया है। अब कीबोर्ड में हम डिलीट की को तब तक प्रेस करेंगे जब तक कि ये पूरा नाम मिट ना जाए। तो ये देखिए हम डिलीट की को प्रेस कर रहे हैं तो इसकी राइट साइड से एक एक करके लेटर्स मिटते जा रहे हैं और ये पूरा नाम मिट गया। अब यहां पर हमें जो नाम चाहिए वो हम टाइप कर देते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने पुराना नाम मिटा करके यहां पर नया नाम लिख दिया है। तो इस तरह से आप बैकस्पेस की से कर्सर के लेफ्ट साइड वाले टेक्स्ट को मिटा सकते हैं और डिलीट की से कर्सर के राइट साइड वाले टेक्स्ट को मिटा सकते हैं। आइए अब आपको एरोज की का उपयोग करके बता देते हैं। इनका उपयोग कर्सर को ऊपर नीचे राइट या लेफ्ट ले जाने के लिए किया जाता है। हमने यहां पर एक पैराग्राफ लिख दिया है और यहां इसकी शुरुआत में क्लिक किया जिससे कर्सर यहां पर दिखाई दे रहा है। अब जैसे जैसे हम डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो कर्सर नीचे वाली लाइन में आता जा रहा है। इसी तरह जैसे जैसे राइट एरो की प्रेस करते हैं तो कर्सर एक एक अक्षर
राइट साइड में आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से इन एरो कीज की सहायता से हम कर्सर को आगे या पीछे या फिर ऊपर या फिर नीचे खिसका सकते हैं। अगली नेविगेशन की है होम। इस की का उपयोग हम डॉक्यूमेंट में किसी लाइन की शुरुआत में आने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ नोटपैड में देख सकते हैं कि जो कर्सर है वो इस समय यहाँ पर है। अब जैसे ही हम होम की को प्रेस करते हैं, कर्सर लाइन की शुरुआत में आ गया है। इसी के विपरीत एंड की का उपयोग हम डॉक्यूमेंट में किसी लाइन के अंत में जाने के लिए करते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ इस लाइन की शुरुआत में कर्सर है, जैसे ही हम एंड की प्रेस करते हैं तो ये देखिए कर्सर यहाँ पर इस लाइन के अंत में आ गया है। अब हम आपको कीबोर्ड के न्यूमेरिक कीपैड की जानकारी दे देते हैं। इस कीबोर्ड में आप राइट साइड में भी कुछ नंबर्स वाली कीज देख सकते हैं, ये न्यूमेरिक कीपैड कहलाती हैं। आपके कीबोर्ड की दूसरी रो की कीज के अलावा इस कीपैड की कीज का उपयोग भी संख्याएं लिखने के लिए किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ये साइड वाली जो न्यूमेरिक कीज हैं ये काम नहीं करती हैं। उसका कारण ये होता है कि दरअसल कीबोर्ड के साइड वाले न्यूमेरिक कीपैड के हिस्से में एक नम लॉक की होती है। यदि गलती से वो प्रेस हो गई तो ये साइड वाली न्यूमेरिक कीज डीएक्टिवेट यानी बंद हो जाती हैं। आप फिर से नम लॉक की को प्रेस करके ऑन कर सकते हैं। जब ये एक्टिवेट यानी चालू होती हैं, तो पीसी के अटैच्ड कीबोर्ड में ऊपर राइट में दिखाई दे रही तीन बत्तियों में से पहली बत्ती जल रही होती है। अगर ये बत्ती बंद है तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमेरिक कीपैड बंद है, और इसका मतलब कि अगर आप इस कीपैड की कीज को प्रेस करेंगे तो नंबर्स टाइप नहीं होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको कीबोर्ड की फंक्शन कीज की जानकारी दे देते हैं। कीबोर्ड में सबसे ऊपर आप F1, F2 इत्यादि कीज देख रहे होंगे, इन्हें फंक्शन कीज कहा जाता है। इन सभी का अलग अलग उपयोग होता है। उदाहरण के लिए F5 की का उपयोग करके आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं। इन्हें आप भविष्य में काम करते हुए सीखेंगे। अब आखिर में आपको कुछ और कीज के बारे में बता दें। कीबोर्ड में सबसे नीचे राइट और लेफ्ट साइड में आप कंट्रोल और ऑल्टर कीज देख सकते हैं। इन कीज को अन्य की के कॉम्बिनेशन के साथ उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हम कंट्रोल और ए कीज को एक साथ प्रेस कर रहे हैं। देखिए स्क्रीन पर हमारा जितना भी टेक्स्ट था वो पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया है। कंट्रोल की का अधिक उपयोग हम आपको आगे आने वाली नोटपैड की वीडियोस में बताएंगे। इसी तरह ऑल्टर की को भी दूसरी कीज के साथ कॉम्बिनेशन में उपयोग किया जाता है, जिसे आप भविष्य में काम करते समय सीखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने सीखा कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज होती हैं और वो किस तरह से काम करती हैं। प्रैक्टिस करते करते आपको इन सभी कीज का जो रोल है या इनकी जो भूमिका है, उपयोग करने का तरीका है, वो अपने आप याद हो जाएगा।